Alpha. Hey, what is up everyone? This is Geet और स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो भाई खाना वाना आपने खा लिया होगा और आज शाम को खाना खाने के बाद मैं देख रहा था कि भाई चलो खोलते हैं कुछ YouTube में और recommendations देखते हैं कुछ। तो अचानक से एक thumbnail आ गई कि भाई Sony is releasing a new camera और उसका नाम है Alpha One। तो भाई महंगे वाला कैमरा है ये, पर देखते हैं कि ये कैमरा वीडियोग्राफर्स के लिए अच्छा है या नहीं। दिस इज गीत एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मोस्टली बात करेंगे वीडियो रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो अल्फा वन में है, और सबसे पहली चीज़ वीडियो के लिए है रेजोल्यूशन। तो भाई आजकल 4K बहुत ही पॉपुलर रेजोल्यूशन है और स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग एट मोस्टली 1080p। पर हाँ जी, आजकल डिवाइसेस द मोबाइल फोन्स इतने पावरफुल आ गए हैं कि यू कैन एडिट योर वीडियो इन द फोन इट्सेल्फ, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर स्ट्रीमिंग के टाइम मोस्टली लोग इंडिया में अभी भी 720 और 1080p में ही करते हैं, इवन लेस देन दैट। तो ये जो कैमरा है दैट इज स्पॉटिंग 8K रेजोल्यूशन, आई मीन दैट्स इनसेन। एंड वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाता है ये, इट रिकॉर्ड्स द वीडियो एट 8.6K और उसका वो डाउन सैंपल करके 8K बनाता है। सो बेसिकली यू आर गेटिंग एन ओवर सैंपल्ड वीडियो विच इज देन कन्वर्टेड इनटू 8K रेजोल्यूशन, एंड दैट इज़ इनसेन। आई मीन ये रेजोल्यूशन बहुत ही, मतलब इफ़ यू आर प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और मूवी मेकर और आपको 8K मूवीज बनानी है, देन This is the best camera for you. Well, ये camera 4K भी support करता है, so it supports 4K at 120 frames per second. तो आपको जो वो slow motion B-rolls और वो सब चीज़ें करनी हो, then this camera is really good. और this is the top of the line cameras, तो बहुत ही expensive होगा. Second and the most important thing of any camera which is used for video is its image stabilization. आपका कैमरा बहुत ही अच्छा है, बहुत मस्त मस्त वीडियोज़ खींचता है, बट इफ़ इट डजेंट हैव द स्टेबिलाइजेशन देन यू हैव टू रिलाई ऑन द एक्सटर्नल गिम्बल्स। तो इतना महंगा कैमरा ले रहे हैं और उसके बाद फिर से गिम्बल भी लेनी पड़े, तो यार थोड़ा थोड़ा अंदर से दुख होता है नहीं। सो दिस कैमरा हैज़ बिल्ट इन 5-axis IBIS दैट इज़ कॉल्ड इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन। तो इनका एक खुद का कुछ एल्गोरिदम है विच इज़ देयर इन द अदर अल्फा एंड सोनी ZV-1 एज वेल। अगर आप हायर शटर स्पीड पर वीडियो लेते हो देन दिस एल्गोरिदम किक्स इन और वो आपका वीडियो एकदम स्मूथ बना देता है। सो दैट इज़ एन अदर लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्टेबिलाइजेशन इफ़ यू डू इन योर वीडियो, आई मीन पोस्ट प्रोडक्शन इन फाइनल कट और इन प्रीमियर इफ़ यू डू। तो बिफोर दैट You can do a pre-image stabilization. क्या बोल सकते हैं उसे? But you guys understood, right? So yes, this has IBIS and there are so many other cameras which have IBIS, like Fuji film के जो XT series के कैमरे हैं उन सब में भी IBIS है। I have Canon M50 and it doesn't have IBIS. So मुझे पता है कि यार shaky image होना क्या होता है, पर क्या ही करें। तो अब बात करते हैं हीट डिसिपेशन की। तो भाई आप मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेटेड स्पेसिफिकेशन में रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो और कैमरा तो गर्म होगा ही, इवन आपका स्मार्टफोन गर्म हो जाता है। तो दे आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी फॉर हीट डिसिपेशन। उसमें से जो हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द इनसेन प्रोसेसिंग ऑफ 8K एंड 4K वीडियोज, तो वो एक पूरा मैकेनिज्म है जिससे कि वो हीट डिसिपेट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म यू कैन हैव एट मोस्ट 30 मिनट्स ऑफ 8K रिकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, एंड इवन इन 4K एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड यू आर ऑल्सो गेटिंग 30 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम विच इज़ क्वाइट गुड। पर इवन एट दिस रेटिंग इफ यू आर रिकॉर्डिंग एट इट्स मैक्सिमम स्पेक्स देन होगा ही हीटिंग का इश्यू। यस, सो दैट इज अ प्रॉब्लम एंड सोनी हैज ट्राइड अ लॉट टू मिटिगेट दिस इश्यू। द नेक्स्ट थिंग, और ये कुछ नई चीज आई है, वो है 10-bit कलर्स। तो आजकल के कैमरे में इवन इन स्मार्टफोन्स स्पेशली द आईफोन 12,
तो उसमें आ गया है 10 बिट कलर्स. सो मोस्टली द कैमराज आर 8 बिट कलर एंड फ़ायदा उसका ये है कि यू आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ कलर्स. और उसके ऊपर है एस लॉग 3. सो जो लोग एस लॉग में या मतलब जो भी कंपनी है उसके कंपनी के पहले इनिशियल देन लॉग, तो उनका जो अपना लॉग वर्जन है वो हो जाता है. लाइक फॉर कैनन इट इज़ सी लॉग. तो ये बेसिकली लो सेचुरेशन इमेजेस है जिसमें आपके ब्लैक्स एंड वाइट्स, दैट मीन्स दी हाइलाइट्स एंड शेडोज, तो उनको प्रिजर्व करके रखता है ये. एंड देन इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग. लाइक आपको कलर ग्रेडिंग करना हो देन रिकॉर्डिंग इन द लॉग फॉर्मेट और द फ्लैट कलर प्रोफाइल इज़ रियली हेल्पफुल. और सोनी ने इस बार एस लॉग 3 इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग. तो भाई स्पेसिफिकेशन की बात तो कर ली है, अब उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की. सो दिस कैमरा विल बी अवेलेबल फ्रॉम मार्च 2021, दैट इज़ राइट 1 महीने के बाद. एंड द प्राइस इज इनसेन. तो इस कैमरे की प्राइस है $6,500. दैट मीन्स 4,75,000 ऑलमोस्ट. दैट टू आई गेस बॉडी ओनली, तो आपको लेंस भी खरीदना होगा. तो ऑलमोस्ट गिन के चलते हैं 5 लाख का कैमरा है ये. सो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एंड इफ़ यू वॉन्ट दैट यू नो क्रिस्पी इमेजेस ऑफ 50 megapixel और दैट क्वालिटी वीडियो, देन यू कैन गो विथ दिस. अदरवाइज यू हैव सो मैनी ऑप्शंस, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कैमरा, सोनी अल्फा 1. एंड दिस इज यस ऑन द टॉप ऑफ द लाइन कैमराज ऑफ सोनी. सो लाइक इट इफ यू लाइक द वीडियो एंड गिव मी योर सजेशंस. पुट डाउन योर कमेंट्स और शेयर कीजिए भाई. दिस इज गीत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.